तो भाई लोग बीजीएमआई के सस्ते स्पाइडरमैन वाले मोड को खेलने के बाद मुझे लगा कि मुझे थोड़े और स्पाइडरमैन वाले गेम ट्राई करने चाहिए, तो मैंने अपने PS5 ढूंढा। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो फिर मैंने अपने सस्ते डिवाइस में प्ले स्टोर ओपन किया और वहाँ सर्च किया स्पाइडरमैन वाला सस्ता गेम। और यहाँ पहले नंबर वाला गेम जिसका नाम काफ़ी बड़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके दर्शन भी कर लिए जाए। तो भाई लोग यहाँ तक इस गेम के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था, लेकिन इसके बाद जो इसने किया है ना, साला बवंडर याद आ गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अबे ये क्या हरा स्पाइडरमैन, लगता है इसे पतंजलि की मकड़ी ने काटा है। और इसकी टांगे देख के कौन कह सकता है कि ये सुपर हीरो है, साला दिखने में लगता है स्पाइडरमैन। सुनकर जाला फेंक के मारने वाला समझा क्या, गुब्बारे फेंक के मारता है मैं, गुब्बारा फोड़ेगा नहीं साला। और सुपर हीरो की एंट्री ऐसी होनी चाहिए जिससे कि लोगों के होश उड़ जाए, ना कि लोग खुद ब खुद उड़ जाए। तो भाई लोग ऐसे सुपर हीरो मुझे लगा कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए और इनकी गाड़ी को सीधा करके देना चाहिए, लेकिन ये गाड़ी इतनी ठीक थी कि सीधा होने का नाम तक नहीं ले रही थी। तो मुझे लगा हटाओ यार, तो मैंने इनकी गाड़ी को लात मार कर ही हटा दिया। तो इस गेम में आधे घंटे तक भटकने के बाद ना मुझे कोई सिटीजन मिला ना सिटीजन की जात, तो मैंने सोचा कि उन्हें पुलिस वालों से टाइम पास कर दिया जाए। तो मैं इस बंदे के पास जा ही रहा था कि अपने सुपर हीरो को बवासीर की टकर आ गई और उसने पुलिस वाले को रोस्टेड ह्यूमन में बदल दिया। तो शायद मुझे लगा कि इस पीछे वाले पुलिस ने मुझे देख लिया है, तो मैंने इस निशान पर विश्वास करके इससे पैर पकड़ कर माफ़ी मांगने की सोची, लेकिन ये तो साला उल्टा ही हो गया। इस शॉटगन से पहली बार मैंने 40 गोलियां निकलते हुए देखी और ये अंकल जी ने मुझे मार दिया।